अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लास्ट वीडियो हमारी जहाज बांडा पे एंड हुई थी और अभी हम जा रहे हैं कटोरा लेक जा रहे हैं अभी हम। और अभी हमारी यहाँ से जहाज बांडा से हाइक स्टार्ट हो रही है, अभी हम जहाज बांडा से निकल रहे हैं और ये लगेंगे शायद कोई 2 या 3 घंटे, हमारी स्पीड पे डिपेंड करता है। आप हमारे साथ रहिएगा, चलते हैं आगे। ये जहाज बांडा सारा और हम इन दो पहाड़ों के दरमियान से जाएंगे कटोरा लेक की तरफ। तो रात को हमारी बहुत ही बुरी हालत हुई हुई थी और कोई पार्टी आई हुई है लाहौर से, उन्होंने को इतना यैंड डाला। शादी में जितने आतिशबाजी का सामान होता है ना, उससे ज्यादा था, उससे समझ ले डबल था। लाहौर से आई हुई थी पार्टी, उन्होंने जो है ना यहाँ पे 2 शादियां की हैं, 2 शादियां जितनी आतिशबाजी की है, ठीक है। अच्छा एक मजे, थोड़ी सीरियस बात करूँ, यहाँ पे जो है ना, अब आप आए किसी भी जगह जाए नॉर्दर्न एरिया में, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि होटल वालों से, यहाँ के मुकामियों से 6 अख़लाक से बात करें। यहाँ पे हमने नोट किया है और रूडली बात करते हैं यहाँ पे, और वो होटल वाले भी खुद बोल रहे हैं कि यार अजीब बदतमीज लोग हैं। तो ये नहीं, आप लोगों ने पंजाबियों को बदनाम किया है, हम काले होने की वजह से ही पंजाबी कहलाते हैं। तो प्लीज ये गुजारिश है, क्योंकि देखें कुछ टाइम होता है, कुछ मोमेंट्स होते हैं आपके उनके साथ, 2 दिन 3 दिन 4 दिन हफ्ता हो गया, कुछ दिन होते हैं और फिर आपने चले जाना था, फिर जिंदगी में कभी मुलाकात होती है नहीं होती। तो प्लीज़ उनसे अच्छे से बात करें, ऐसे याद करें कि जब वो मुकामी जो है जब भी कभी आपको याद करे तो अच्छे अल्फाजों में याद करें। मैंने आगे भी देख यार, नहीं क्यों, मैं देखता रहूंगा, देख रहा हूँ, देखता रहूंगा। सॉरी। और ये हम छोटी कटोरा लेक पे पहुंच गए, कटोरा लेक मिनी प्रो मैक्स, नहीं प्रो मैक्स आगे आएगी। हाँ जी सुनाए भाई, यहाँ तक तो इजी थी है, इजी बीजी हलवा है, सीरियसली बहुत इजी है, सही कह रहे हैं, इतनी इजी थी। आसमान कैसे जो है ना साइड पे पहाड़ी पे चढ़ गया था, क्योंकि कुछ डिफिकल्ट तो फील हो। हाँ ना, हमने जो डिफिकल्टी लेवल था ना वो थोड़ा बढ़ा दिया था, हमने कहा ऑफ रोडिंग करते हैं यार, पहले भी ऑफ रोडिंग आए हैं, इतने महंगे जूते पहने में तो फिर क्या फायदा, अगर इनको लॉन्ग जूतों का क्या फायदा, सही बात है, बिल्कुल। तो यहाँ से हम आए हैं, ठीक है, और ये छोटी लेक है, जहाज बांडा लेक भी कहा जाता है इसको, और कटोरा मिनी लेक भी कहा जाता है। खैर तो ये आपको नज़र आ रही हैं कश्तियाँ, ठीक है, यहाँ से लोग आते हैं इस पर बैठते हैं कश्ती पे, और यहाँ से होते हुए ये कोने से पानी आ रहा है, तो यहाँ से रास्ता है कश्तियों का, ये अगली लेक में चला जाता है, ये भी छोटे से लेक है, पानी है इधर भी, तो ये यहाँ से ये शॉर्टकट है कश्ती पे अगर आप जाना चाहें, ठीक है। लेकिन हम आए हैं इधर से फुल ऑफ रोडिंग भाई, और ये मेरे ख्याल में कहीं मुझे मोहित भाई भी नजर आ रहे हैं, मोहित भाई आवाज नहीं आ रही, करने दे रही, इतना दूर भी नहीं खड़ा हुआ। जानी कैसा था ये पैच, आगे जो है ना ये वाला, ये इसकी बात कर रहा मोइज़, ये वाला वहाँ से लेकर यहाँ तक। हाँ मोइज़ा जी बताओ कैसा ट्रैक था, लैंडस्लाइडिंग हुई भी है, पत्थर ही पत्थर आए, हाय वॉल क्लाइंबिंग करते हुए आए हम, ऑफ रोडिंग से भी हट गए। अच्छा ऑफ रोडिंग से भी ऊपर वाला लेवल है, मैं मजा आया है ना, बहुत मजे का था, मजे का शुगर लाइक। तो दोस्तों अभी हम ये लास्ट पैच पे इसके पहुंच गए हैं। हाँ और ट्रैकिंग बहुत मज़े की थी, हाइकिंग बहुत मज़ा आया, इजी है, बिगनर्स के लिए थोड़ा टफ होगी, वैसे जो हाइकिंग करते हैं उनके लिए आसान है एज़ कम्पेयर टू चिट्टा कट्टा लेक,
बहुत ज्यादा आसान है, चिटा कट्टा लेक की बहुत ज्यादा टफ थी। मोहित भाई आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? हाँ, जो मिनी कटोरा लेक आई थी दिव्यान मतर तक तो कुछ भी नहीं है, इजी बिल्कुल। मेन ट्रैक था, उसके बाद जो रहा रॉकी रॉकी ट्रेन हो जाते सारे वहाँ पे, कुछ ट्रैक श्रैक ही नजर आ रहा था। और सबसे मजे का पार्ट अभी वाला आ रहा है, मेरी टांगें चोटी है वो। मेरी टांगें लो जी, गौरी आया। Look at this tuck shop. This can be the most beautiful tuck shop ever. Amazing view there. दोस्तों तो फाइनली हम कटोरा लेक पहुंच चुके हैं जी। माशाल्लाह से बहुत प्यारी लेक है, और कटोरा ये पश्तो का लफ्ज़ है। 25 साल ज़िंदगी गुजर गई है, लेकिन मैं समझ रहा था कि ये पश्तो का नहीं उर्दू का लफ्ज़ है कटोरा। प्याला, प्याला उर्दू में कहते हैं। प्याला उर्दू में और इंग्लिश में बाउल। इंग्लिश में बाउल। तो कटोरा लेक है ये, और हमें 2.5 घंटे लगे हैं तकरीबन पहुंचने में। 2.5 घंटे लगे हैं, ठीक है। हाइक आधी हाइक तो बहुत इजी है, और मतलब हाइक इतनी मुश्किल नहीं है। इतनी मुश्किल नहीं है तो मेरे ख्याल से स्लो है तो 3 घंटे में, 3.5 घंटे पहुंचेंगे आप। बिल्कुल। और अभी हम आपको मजेदार सीन दिखाते हैं यहाँ पे। और मजे की बात ये, मोहित के पीछे जो आपको पहाड़ नजर आ रहा है ये वाला इसके पीछे जो है ना वो है इजमिस झील, ठीक है। इजमिस झील की वीडियो हमने अपलोड की भी, आपने अगर वो नहीं देखी वो ज़रूर देखें, माशाल्लाह से प्यारी लेक है वो भी। तो फाइनली हमने कटोरा लेक भी एक्सप्लोर कर ली, अभी आपने नहीं की, सब्र करें बस तो सेकंड्स। दिखाते हैं कटोरा लेक है, और ये मेरा घोड़ा है जिसके ऊपर मैं सामान लाद के लाया हूँ। ये खुदकुशी करने जा रहे हैं। कैसी लगी आपको झील? कटोरा झील, प्याला झील, बाउल झील। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और यहाँ पे हमारा टूर ख़त्म हो रहा है, और हम वापस जा रहे हैं। चुटकुला यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ओह सॉरी चुटकुला नहीं, ये टूर ख़त्म हो रहा है बेसिकली। टूर भी हमारा नहीं ख़त्म हो रहा है, हमने घर तक पहुँचने हैं, अभी टूर ख़त्म करवा रहे हैं। अब हम यहाँ से झील से वापसी की हाइक स्टार्ट करने लगे, और इंशाल्लाह वापसी में कम टाइम लगेगा हमें, उम्मीद है घंटे में हम पहुँच जाएंगे। तो दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अपनों का ख्याल रखें, और चुटकुला को सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों अभी हम वापस आ रहे हैं, वापसी पे हमें पता चला है कि हम जो है ना यहाँ से ऊपर नहीं आए, ठीक है। ये रास्ता है वैसे असल में, ये रास्ता, ठीक है। हम यहाँ से गलती से चले गए इस झील पे, ठीक है। हाँ, ये छोटी झील पे आपने नहीं आना, ठीक है, आपने यहाँ से ही जो है ना ऊपर रहना, यहाँ से ऊपर रास्ता है, और ये होता हुआ यहाँ से आ जाए, ठीक है। और इस साइड पे ये देखिए, ये जा रहा है यहाँ से ऊपर से जा रहा है, और ये ट्रैक काफ़ी ज़्यादा साफ है, ये तो ट्रैक ही नहीं है। हाँ, ये ऑफ रोडिंग हमने फुल की है, ये नहीं है ट्रैक, असल ट्रैक ये है। दोस्तों आप लोग इधर से आएंगे और यहाँ तक एक ही रास्ता आ रहा है, उसके बाद आपको यहाँ पे उस्मान कैफर खड़ा हुआ मिलेगा, आपने उससे पूछ लेना आगे किधर जाने।
यहाँ पे ये पत्थर के ऊपर लिखा हुआ है, इस पत्थर के ऊपर कटोरा लेक का रास्ता ये है, आगे जो है आपने जैसे लेफ्ट साइड पे जाना है। नहीं नहीं, लिखा हुआ है कटोरा लेक का झील का रास्ता नीचे है, मगर गलत लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, इधर मैं आपको बता देता हूँ कैमरा। आप देख सकते हैं यहाँ से ये जो है ना, ये नजर आ रहा है, यहाँ से ये थोड़ा सा आगे जाएंगे प्रॉपर ट्रैक बना हुआ है, ये जो है ना वो ऊपर चढ़ जाएगा। आपने इधर ऊपर रहना है, आपने छोटी लेक की तरफ नहीं जाना। अगर आप छोटी लेक की तरफ जाते हैं, अगर आप घोड़े पे आ रहे हो एक अलग मतलब, आप घोड़े पे आ रहे हैं घोड़ा आपको यहाँ तक लेके आएगा, आपको छोटी लेक तक घोड़ा लेके जाएगा, वहाँ से आगे आप किश्ती करा के वो जो पत्थरों वाला इलाके हैं वो क्रॉस करके आगे उतर जाएंगे, उधर से तो एक ही ट्रैक है। लेफ्ट साइड पर रहना है अपने पानी के, लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर रास्ता बंद हो जाता है आगे जाके।